क्या कहा? नंद के पुत्र ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया? जी महाराज। पर नंद का ये पुत्र आया कहां से? उसे तो पूतना ने मार डाला था। तू ही ये समाचार लाया था ना? जी महाराज। तो नंद के यहां दूसरा पुत्र जन्मा होगा महाराज। क्या स्वयं तुमने उसे पर्वत उठाते देखा? जी महाराज। तब तो ये नंद का पुत्र हो ही नहीं सकता। हो न हो ये देवकी का आठवां पुत्र ही है। परंतु ना तो मैं पूतना हूं जिसे वो मार सकता है और ना ही गोवर्धन जिसे वो उठा सकता है। मैं हूं मथुरा नरेश कंस। मैं विधाता की चुनौती स्वीकार करता हूं। वो कहता है कि देवकी का आठवां पुत्र मेरी हत्या करेगा और मैं कहता हूं कि देवकी के आठवें पुत्र की हत्या स्वयं मैं करूंगा। तो क्या स्वयं महाराज नंद गांव जाएंगे? नहीं महामंत्री, नहीं, मैं नंद गांव नहीं जाऊंगा। वो मथुरा आएगा। मैं अपने भांजे को आमंत्रित करूंगा और जब वो यहां आएगा तो मैं उसे कलेजे से लगा लूंगा। समझ गए ना महामंत्री? जी महाराज। पर वो आपके आमंत्रण पर आने ही क्यों लगा? वो इसलिए आएगा कि वहां वसुदेव का परम मित्र अक्रूर जाएगा। देवकी भी तो उसे अपना भाई मानती है ना। और जब अक्रूर वहां जाएगा तो कोई संदेह नहीं करेगा, वो अवश्य आएगा। अक्रूर को बुलवाओ। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री शीघ्र जाइए। आओ मित्र आओ, तुम तो लगता है मुझे भूल ही गए। आपको भूल पाना संभव नहीं है महाराज। आप राज्य के कार्यों में इतने संलग्न रहे कि मैंने आना उचित नहीं समझा। ये क्यों नहीं कहते कि देवकी और वसुदेव के कारण मुझसे रूठे हुए हो? अब तो स्वयं मैं अपने किए पर लज्जित हूं। बहन फिर बहन होती है महाराज, और मित्र मित्र। यदि आप उनके सामने जाकर अपनी बाहें फैला देंगे तो वो अपने पुराने सारे दुख भूल जाएंगे। तुम्हें विश्वास है? जी महाराज। परंतु कोई उपहार तो ले जाना चाहिए ना उनके लिए अक्रूर। कोई ऐसा उपहार जिसे देखते ही उन दोनों पर आनंद की वर्षा हो जाए। ऐसा कौन सा उपहार हो सकता है महाराज? आकाशवाणी तो यही थी ना कि देवकी के आठवें पुत्र के हाथों मेरी हत्या होगी। अब विधाता से तो मैं युद्ध कर नहीं सकता। मैं ऐसा जीवन जीकर करूं भी क्या जिसने मेरी बहन देवकी और मित्र वसुदेव के जीवन में अंधेरे खोल दिए हों? मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए अक्रूर। मैं देवकी और वसुदेव के आठवें पुत्र का उपहार लेकर उनके पास जाना चाहता हूं और उन दोनों के सामने अपने भांजे से कहूंगा, बस मेरा वध करके अपने कर्तव्य का पालन कर। इस शुभ कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी मित्र। आज्ञा दीजिए महाराज। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा स्नेह संदेश लेकर नंदगांव जाओ और मेरे भांजे कृष्ण को मेरे पास ले आओ। और जो नंदराय ने उसे ना आने दिया महाराज? नंद तुम्हारी बात नहीं टालेगा मित्र, और हमारी ओर से उन सबको धनुर्यज्ञ के लिए आमंत्रित करो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री। जी महाराज। हमारे भांजे वत्स कृष्ण के स्वागत के लिए गज और मल्ल तैयार करवाओ। वो भी तो देखे कि उसका मामा कंस उससे कितना प्रेम करता है। जो आज्ञा महाराज।
हाहाहाहाहाहा